वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी हमें दे रखी है, इसके लास्ट में से 20th टर्म कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। देखो आगे से नहीं पीछे से फाइंड करनी है कि 20th टर्म कौन सी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए क्या है इसका, ये है फर्स्ट टर्म। और डी क्या है, देखो आगे वाली से पहले वाली को माइनस करके हम हमेशा डी निकालते हैं, दैट इज 8-3। तो डी हमारा आ रहा है 5। अब हमें लास्ट में से 20th टर्म फाइंड करनी है, लास्ट में से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो दैट्स व्हाई हम क्यों ना इस एपी को ही उल्टा दें, फर्स्ट टर्म ये लिख लेते हैं और इसके पीछे पीछे ऐसे ही एक एपी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर हम आगे से 20th टर्म फाइंड आउट करें तो वो लास्ट वाली 20th टर्म बन जाए, ठीक है। देखो कैसे बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट टर्म बन जाएगी इसकी 253, उससे आगे वाली टर्म कैसे बनेगी, मतलब इससे पहले वाली टर्म, और यहाँ पर हम आगे वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। अब इसे रिवर्स तो करना होगा ना, जब हमें लास्ट में से 20th टर्म को फाइंड आउट करना है तो इस एपी को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। 253, अब देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 5। यहाँ पर देखो 3 में 5 एडअप हुआ तो 8 आया, 8 में 5 एडअप हुआ तो 13 आया। तो यहाँ से अगर हमें बैक आना होगा तो हम क्या करेंगे, 253 में से 5 को माइनस करेंगे, तभी यहाँ पहले वाली टर्म आएंगी। तो 253 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 248। अब 248 में से 5 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 243, राइट। तो ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, एक टाइम पे यही आना स्टार्ट हो जाएगा, 13, 8, 3, राइट, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है ना हमने, हमें यहाँ से लेकर। तो बस इस एपी को लिखने का वे जो है वो हमने रिवर्स कर दिया, यहाँ पर यही लास्ट टर्म थी तो यहाँ पर इसे फर्स्ट टर्म बना दिया, बिकॉज हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लास्ट। गॉट इट, इतना क्लियर है, अगर आपको इतना क्लियर है तो आगे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर ए 20 हमें फाइंड आउट करना है, 20th टर्म इट मीन्स ए 20 फाइंड आउट करना है, जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1, दैट इज 20-1, 19 डी। गॉट इट, देखो ये कैसे लिख रहे हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना nth टर्म का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड एन इज nth टर्म। तो यहाँ पर 20th टर्म लिखनी है तो ए प्लस एन माइनस 1, n है तो n माइनस 1, 20 है तो 20-1, दैट इज 19 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, या a इसके लिए कितना बन गया, 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है, ये अच्छा देखो यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, इसके लिए d कितना आ रहा है, d रिवर्स होगा ना, आगे वाली से पहले वाली को माइनस करना होता है, तो यहाँ पर अगर मैं 248 में से माइनस करूँ 253 तो आएगा तो 5 ही, बट नेगेटिव 5 आएगा, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है ना, तो इसके लिए माइनस 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस 5, तो 19 5 95 होते हैं, बट माइनस का साइन आने से ये माइनस के आएंगे। गॉट इट, तो यहाँ पर 253-95 माइनस करने पे कितना आ रहा है, 158। सो दिस इज आर required term, that is 20th term from the last, ठीक है, last में से 20th term कितनी है, 158। got it।